फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है। तो पहले मैं उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए डेटा की जरूरत है, मैं डेटा बना लेता हूँ। डेट एक ये जनरल डेटा है मेरे पास, इसमें कुछ डेट्स को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि इसके हिसाब से मैं वैल्यूज को दिखा सकूँ। तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअल में होता क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आपकी नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है ना, तो जो फॉर्मेटिंग किसी कंडीशन के बेस पे हो जाए, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 20 हो तो ये इसकी सेल कलर हो गया, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलरिंग ही नहीं होती, सब कुछ होता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में जितना भी है, फॉन्ट चेंज, नंबर फॉर्मेट चेंज, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो कुछ भी है आप सब चेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि सबसे पहले इसमें कुछ है कि अपने पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ होम टैब में होती है, इसके अंदर हमें पहले से कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं, हाइलाइटेड सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कुछ रूल्स जो हैं इसमें पहले से दिए हैं, पहले इनको देखते हैं फिर उसके बाद हम देखेंगे बियॉन्ड द रूल कैसे चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ये वाला पूरा सेल्स का डेटा सेलेक्ट कर लिया, देन हाईलाइट सेल रूल्स, पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में क्या है कि यहाँ पे जो भी आप वैल्यू देंगे तो उसके ग्रेटर होने की सूरत में यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। हाईलाइट कैसे करेगा, कुछ एग्जांपल्स आपके पास है, ठीक है जी। लाइट रेड डाल पे येलो वाला कर सकते हैं, ग्रीन वाला कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन है। अगर आप इनमें से कोई भी पसंद नहीं है तो कस्टम फॉर्मेट में जाके आप चूज कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, यहाँ तक कि इनकी नंबर फॉर्मेटिंग भी चूज कर सकते हैं कि कंडीशन के ट्रू होने पे नंबर फॉर्मेटिंग क्या हो जानी चाहिए। फॉन्ट को चूज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं, बॉर्डर चूज कर सकते हैं, और मैं क्या कहता हूँ फिल यानी सेल कलर को चूज कर रहा हूँ। तो जब वैल्यू 50 से बड़ी हो तो आप यहाँ पे एक तो टाइप भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे किसी सेल का रेफरेंस भी देख सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, इसको यहाँ सेल रेफरेंस चूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी सेल का रेफरेंस की मतलब वैल्यू वहाँ से कंपैरिजन के लिए उठाए, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। जैसे ही वैल्यू 50 के पार जाएगी ये उसको कलर कर देगा। फॉर्मूला पड़ा हुआ है, पहले फॉर्मूले को मैं हटा दू। 50 के पार जाते ही वैल्यू अपने आप हाईलाइट हो जाती है। अब दूसरा एग्जांपल ट्राई करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, पहले की जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो आपको हटानी पड़ेगी इसके, ठीक है जी, अलग हटाने अलग लगाने के लिए। अगर नहीं हटाते लग तो अब भी जाएगी तो बट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ये रूल भी चलेंगे वो वाले भी चलेंगे जो नया चूज करेंगे। तो मैनेज रूल में जाके सबसे लास्ट ऑप्शन होता है मैनेज रूल, यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपने कौन सी फॉर्मेटिंग लगाई है, ठीक है जी। जैसे ये फॉर्मेटिंग है, ये अपना फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मेट और किस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी, रेंज अप्लाई। तो यहां से जाके आप इसको पहले पुरानी फॉर्मेटिंग आपको डिलीट करनी पड़ेगी। अब आपको दिखा रहा है यहाँ पे शो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर करंट सिलेक्शन,
तो करंट सिलेक्शन में तो सिर्फ एक सेल ही, तो उस सेल के बारे में दिखा रहा है। इस वर्कशीट करेंगे तो इस पूरी शीट पे जितने भी अवेलेबल होंगे वो आ जाएंगे। तो यहां से जाके मैंने डिलीट रूल कर दिया, सिलेक्ट करके अप्लाई होके हट गया। तो दूसरा रूल देखते हैं, ग्रेटर देन में उससे बड़े होने की सूरत में था, फिर लेस देन, लेस देन में इससे छोटे होने की सूरत। मैंने कहा 20 से छोटे वाले आप कलेक्ट कर दीजिए, ठीक है जी। एक और तरीका है रिमूव करने का, तो जो पहले तो छोटे थे वो हाईलाइट हो गए, अब रिमूव करना है मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन है क्लियर रूल, एक है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। तो अगर आपने पूरा डेटा सिलेक्ट कर रखा है तो आप इसको यूज करिए, अगर नहीं सिलेक्ट किया है तो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, बट उस केस में आपकी सारी शीट पे जितने भी रूल लगे होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। देन चलते हैं बिटवीन, बिटवीन मतलब जैसे 30 से 50 के बीच, 30 से 50 के बीच की मैंने करवा दी हाईलाइट। देन आपका है इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या है, अभी तक मैंने जो ग्रेटर देन लेस देन और बिटवीन का जो बताया ये नंबर और डेट्स में चलता है, ठीक है नंबर और डेट्स। इक्वल टू जो है आपका टेक्स्ट में भी चलता है, तो मान लीजिए यहां से मैंने सिलेक्शन ले लिया और इधर से मैंने कर दिया इक्वल टू, कोई नाम दे दिया विकास, ठीक है जी, तो वो हाईलाइट हो गया। इक्वल टू में कुछ भी दे सकते हैं। देन टेक्स्ट दैट कंटेन्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स का मतलब है कि पूरा नाम देने की जरूरत नहीं, मैंने कहा जिसमें एस कंटेनिंग है वो हाईलाइट हो जाए। तो आगे हो पीछे हो एस कोई मतलब नहीं, एस होना चाहिए। डबल ई जहां पे, तो कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया दे सकते हैं यहाँ पे। देन डेट अकरिंग, डेट अकरिंग डेट के लिए स्पेशली, अब डेट में क्या है कोई भी डेट दे सकते हैं। हेलो, हाँ जी डेट, हेलो, हाँ जी सर संदीप जी, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी हाँ जी, जो टेक्स्ट वाला आपने अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग उठाया था, हाँ क्या उसमें हम स्टार्टिंग लेटर वाले हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे जो वर्ड या टेक्स्ट एस एस से स्टार्ट हो, सिर्फ वो वाला पिक करें वो कर सकते हैं, पर पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो रूल इसमें दिए गए हैं, ठीक है जी, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो रूल नहीं है उनको कैसे करना, ठीक है, क्योंकि कुछ तो इन्होंने पहले से ही दे रखे हैं, अब जो नहीं है उसका हम कर अभी बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट अकरिंग वाले में क्या है, यस्टरडे, यस्टरडे पीछे बीते हुए दिन का है, तो जो बीता हुआ है आज 15 नवंबर है तो 14 नवंबर हाईलाइट। इसी तरह टुडे का आज की डेट हाईलाइट कर देगा। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने अगर आप एक बार टुडे लगा के छोड़ दिया तो क्या है कि आज 15 नवंबर हाईलाइटेड दिखा रहा है, कल आपको क्या दिखाएगा 16 नवंबर हाईलाइटेड दिखाएगा, ठीक है जी। टुडे यस्टरडे और टुमारो का इसलिए यूज करते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए कुछ चेक आपने बैंक्स में लगाने तो उसको इस तरह से हाईलाइट करके रख सकते हैं कि 16 नवंबर टुमारो में, ठीक है जी, ताकि हमें पहले पता पड़ जाए कि ये वाले चेक सब चलने वाले हैं, ठीक है जी। देन इन द लास्ट 7 डेज, पिछले 7 दिन के लास्ट वीक, अब लास्ट वीक और इन द लास्ट 7 डेज में क्या फर्क है। लास्ट वीक में देखिए ये कैलेंडर के वीक्स होते हैं संडे से सैटरडे, ठीक है जी, तो पिछला संडे से सैटरडे, अभी जैसे अपना 9 से 15 का चल रहा है, 9 तारीख से 15 नवंबर तक का बीच में, तो ये अभी करंट वीक ही है, ठीक है जी। लास्ट वीक हो जाएगा अपना 2 नवंबर से 8 नवंबर तक, ठीक है जी। तो ये लास्ट 7 डेज और लास्ट वीक में फर्क, दिस वीक ये हफ्ते के, नेक्स्ट वीक आने वाले हफ्ते के, ठीक है जी। देखिए कल संडे है ना, तो संडे से वीक चेंज हो गया,
हमारे यहाँ वैसे इंडिया में ये समझा जाता है कि वो मंडे से वीक स्टार्ट हो रहा है, बट एक्चुअली संडे से होता है इंटरनेशनल डे का, ठीक है, जो एक्सेल रीड करता है। लास्ट मंथ पिछले महीने की अगर कोई डेट होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी, दिस मंथ इस महीने की कोई डेट होंगी तो हाईलाइट हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ आने वाले महीने की कोई डेट होंगी तो हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। देन आपके पास है डुप्लीकेट वैल्यू। मान लीजिए यहां से कोई मैंने चूज किया, इसमें जितनी वैल्यू डुप्लीकेट होंगी वो हाईलाइट हो जाएगी, जो यूनिक होंगी वो अलग आएगी। इसी में यूनिक का भी ऑप्शन है, आप यूनिक चूज करेंगे तो यूनिक वैल्यू हाईलाइटेड हो जाएगी, ठीक है जी, डुप्लीकेट यूनिक दोनों है। तो ये अपने जो रूल्स हैं, उसके बाद टॉप एंड बॉटम रूल्स, इसको सिलेक्ट करता हूं यहां मैंने, ये सब नंबर्स के लिए टॉप 10 आइटम्स, ठीक है जी। टॉप 10 का मतलब ये नहीं है कि खाली 10 ही आएंगे, टॉप 5 भी कर सकते हैं, टॉप 20 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। टॉप 5 जैसे मैंने चूज किया तो इसमें क्या है कि टॉप 5 आइटम्स जो हैं अपने हाईलाइटेड हो जाएंगे, मतलब ग्रेटेस्ट वाले। ग्रेटेस्ट वाले हाईलाइट हो जाएंगे। अब उसमें हमें आप देख रहे थे कि वो ज्यादा दिखा रहा था, ज्यादा इसलिए दिखा रहा था क्योंकि 5 नहीं थे, क्योंकि उसमें जैसे 5 से ज्यादा है और सारी वैल्यू 90 जा रही है तो सारे ही अपर वाले हैं, तो उसने उन्हीं को उठा के सबसे ऊपर में दिखा दिया, सबको ही दिखा दिया, क्योंकि वो फैसला तो कर नहीं सकता कि इसको छोड़ू, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास है टॉप 10%, पहले मुझे उसको पुराना क्लियर करना पड़ेगा। देन टॉप 10% है, 10% का मतलब है कि जैसे आपका डेटा 100 रोज का डेटा है, 100 रोज का डेटा है, तो 10% उसका हुआ 10 रो, 10, हाँ, तो उतने हाईलाइट कर देगा ये, ठीक है जी। 10% ऑफ द डेटा ये हाईलाइट कर देगा, ठीक है जी, टॉप वाला जो मैक्सिमम वाला होगा, ठीक है जी। इसी तरह बॉटम 10 आइटम्स है, बॉटम 10 में भी आप चूज कर सकते हैं, आइटम्स मतलब उतनी ही वैल्यूज हो जाती हैं, 10 का मतलब 10 ही, परसेंट 10% की जब बात करते हैं तो सबसे छोटे वाले 10% ऑफ द डेटा, ठीक है, 20 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, जितना परसेंट चाहे उतना कर सकते हैं, ठीक है। अबव एवरेज, अब पूरे का टोटल करेगा और उसका एवरेज निकाल लेगा, एवरेज से जो ज्यादा होंगे उनको हाईलाइट कर देगा। इसी तरह से अपने पास है बिलो एवरेज, एवरेज निकाल के जो उससे छोटे वाले होंगे उनको हाईलाइट कर देगा, ठीक है जी। टॉप एंड बॉटम रोल्स में यही है। देन डेटा बार्स, डेटा बार्स आपके जैसे बार चार्ट होते हैं उसी तरह से ही डेटा बार्स भी होते हैं, ठीक है। जिस एरिया में लगे हैं उसमें से मैक्सिमम और लोएस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करके उस से विद इन द सेल एक बार बना देंगे, तो एक बार बना देते हैं, जैसे अगर यहाँ पे कम वैल्यू होती है तो सबसे कम वाला, ज्यादा होती है तो सबसे ज्यादा वाला, ठीक है जी, एक बार बना देते हैं। अब इसको क्यों यूज करते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा डेटा अभी 2 डिजिट में तो आपको ये पता पड़ रहा है बड़े आराम से कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, पर जब इसकी डिजिट बढ़ती है, मान लीजिए लाख पे आ गए, तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा कौन सा डेटा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उस केस में हम ये बार यूज करेंगे। तो आप देखिए चलते जाइए, एक ग्लांस में आपको क्लियर है कि किसका कम है किसका ज्यादा है, ठीक है जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए इसको यूज किया जाता है, जिसका जिसके लिए चार्ट को भी यूज करते हैं, ठीक है, इससे डेटा जो है तुरंत के तुरंत समझ में आने वाला बन जाता है। देन कलर स्केल, कलर स्केल्स क्या है कि कलर स्केल भी हमारे उसी की तरह डेटा बार्स की तरह ही काम करते हैं, बट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अगर इसको ना पता हो तो ये कंफ्यूजन में डाल देते हैं। हालांकि क्या होता है कि जैसे इसमें मिनिमम वैल्यू 10 है, 10 मैंने डाल दी तो रेड दिखा रहा है, 20 तो थोड़ा सा लाइट रेड आया, 30
ऑरेंज की तरफ बढ़ा, मतलब रेड से येलो में बदलेगा जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, मिडल पे आके येलो हो जाएगा पूरी तरह और मैक्सिमम पे जाके ग्रीन हो जाएगा, ठीक है जी। कलर पैलेट चेंज होता रहेगा इसका, मतलब लाइटर पहले स्टार्ट होगा रेड से, फिर रेड लाइट होता हुआ येलो में चेंज हो जाएगा, फिर येलो लाइट होता हुआ ग्रीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। डेटा के हिसाब से ये भी एक मीजरिंग एंटिटी है, ठीक है जी। इसका यूज इस तरह से नहीं कर सकते, इसका यूज जो है ये सिंगल सेल में देखने लायक कम होता है। जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है ना, जैसे यहाँ पे और कॉलम्स में मतलब यहाँ तक डेटा होगा, तो आप एक ग्राफ की तरह देख सकते हैं कि यहाँ कलर लाइट हुआ या डार्क हो गया, इस तरह से देख सकते हैं। देन आइकॉन सेट है, ये बहुत काम की चीज है। अपने आइकॉन सेट में क्या होता है, ये आपके जैसे आपके कुछ क्राइटेरियाज है, ठीक है। क्राइटेरिया है कि मान लीजिए मेरी सेल्स रिपोर्ट है, तो मैं तीन सिंबल चूज करता हूँ, तीन से लेकर छह तक आप चूज कर सकते हैं या पांच तक, ठीक है जी। इसमें क्या है कि जैसे मेरी सेल्स है और जो सबसे अच्छी है वो मैंने कर दिया, वहां पे राइट दिखा दो, जो गड़बड़ है वहां क्रॉस दिखा दो, जो ठीक ठाक है मिडल की है उसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिखा दो, ठीक है। तो इस तरह से तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अभी भी ये विजिबल ही है कि मैं देख सकता हूँ कि कौन सी ठीक ठाक है कौन सी गड़बड़ जा रही है, ठीक है। मतलब ये सेम आपका डेटा बार्स वाला ही केस है, ठीक है। बट यहां तक मैंने जैसे आइकॉन सेट यूज किया आपने, अब आइकॉन सेट में कोई क्राइटेरिया नहीं सेट हो रहा, ठीक है जी, कि कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। अब ठीक वो कैसे बताएगा, मैं तो कहता हूँ कि अच्छी जो है वो मेरी 70 से 90 के बीच की, अब ये मिडल में कुछ भी ले रहा हो तो कैसे पता पड़ेगा, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ये मैनेज रूल में जाइए, आइकॉन सेट ये लगाया हुआ, ठीक है, एडिट रूल करेंगे तो इसमें इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी किस बेस पे ये कर रहा है। ये कह रहा है व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, ठीक है जी, तब राइट का साइन यूज करना। देन व्हेन वैल्यू लेस देन 67 और ग्रेटर देन इक्वल टू 33% देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और लेस देन 33% पे क्रॉस का साइन यूज कर रहा है, ठीक है। इनको परसेंट की जगह आप बदल के नंबर में आप वो नंबर भी सेट कर सकते हैं कि जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 71 राइट होनी चाहिए, और देन इसमें 71 अपने आप ले लिया, लेस देन 71 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 51 या एक्सक्लेमेशन होनी चाहिए, देन आपकी जो है बाकी क्रॉस होनी चाहिए। तो ओके कर दूंगा, तो ये अप्लाई कर दूंगा, तो ये उस हिसाब से अप्लाई होगा, ठीक है जी। तो क्राइटेरिया मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा आइकॉन सेट भी चेंज कर सकता हूँ, कलर स्केल डेटा बार आइकॉन सेट, आइकॉन के यहाँ पे और भी दे रखे हैं, और भी एग्जाम्पल है जो भी चूज करना चाहे, हर एक के लिए कंडीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। एक और चीज होती है रिवर्स आइकॉन ऑर्डर, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आइकॉन रिवर्स हो जाएंगे, उल्टे दिखाएंगे, तो कंडीशन भी उसी हिसाब से हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हमें खाली आइकॉन ही दिखाने, वैल्यू नहीं दिखानी, सो आइकॉन ओनली पे क्लिक करके ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू नहीं दिखाएगा आइकॉन से दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब चलते हैं, अब तो ये था कि सारे जो इसमें पहले से दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है उसको देखते हैं। न्यू रूल्स पे जाएंगे हम, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके न्यू रूल्स का ऑप्शन, ठीक है। न्यू रूल्स में जैसा कि हमने अभी बात कर रहे थे कि फॉर्मेट, पहला ऑप्शन है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, तो टू कलर स्केल थ्री कलर स्केल, टू कलर स्केल का ऑप्शन नहीं था बट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक तो ये है कि ऑटोमेटिक लोएस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ले, अदरवाइज आप चूज कर सकते हैं कि नंबर क्या होनी चाहिए, या परसेंटेज चूज कर सकते हैं कि 10 to 20% में इस तरह से देना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है जी। कलर क्या होना चाहिए यहाँ से चूज कर सकते हैं, प्राइमरी कलर क्या हो, सेकेंडरी क्या हो,
थ्री कलर स्केल भी है, इसी तरह से तीन कलर चूज कर सकते हैं, बीच में उसका मिड पॉइंट क्या होगा आप दे सकते हैं। एक तो अपने आप निकालेगा, एक आप खुद निकाल सकते हैं। डेटा बार्स, डेटा बार्स जो आपकी बार थी वो हम चूज कर सकते हैं कि कौन से कलर की होनी चाहिए, सारे कलर अवेलेबल। लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, शो बार ओनली का भी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू देके आप मैनुअल वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। आइकॉन सेट, आइकॉन सेट के बारे में मैं पहले ही बता चुका, ठीक है। अब आपका अगला जो है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, ये आपके क्वेश्चन का जवाब है कि अगर आपने सेट करना है कि बिगिनिंग में ऐसा हो तो कैसे करूं, ठीक है। यहां से मैंने सिलेक्ट किया डेटा को, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स। तो सेल वैल्यू के बेस पे एक तो हम इसमें कर सकते हैं, जैसे बिटवीन वाला, लेस देन, बिटवीन, ग्रेटर देन, वो वाले ऑप्शन थे सारे। जैसे आपने लेस देन इक्वल टू वहां नहीं मिला था तो लेस देन और इक्वल टू यहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत सारे रूल, स्पेसिफिक टेक्स्ट। अब स्पेसिफिक टेक्स्ट में खाली कंटेनिंग का था वहां पे, यहाँ पे आपको नॉट कंटेनिंग, बिगनिंग विद, एंडिंग विद भी मिल जाएगा, ठीक है जी। तो बिगनिंग विद एस करके आप उसका फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, ये चूज कर दिया तो ये एस के स्टार्टिंग वाले सारे जो थे हाईलाइट हो गए, ठीक है। यहां से भी अपने मैंने रूल मैनेजर से भी हम कर सकते हैं, न्यू करके उसमें कोई भी रूल चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सेल दैट कंटेंस हमने देखा, डेट अकरिंग वाले, यस्टरडे वगैरह वाले सारे ऑप्शन है, ठीक है जी। ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को हाईलाइट करेगा सिंपली, जो सेल खाली होंगी उनको हाईलाइट करेगा। नो ब्लैंक्स, जो सेल ब्लैंक नहीं होगी मतलब वैल्यू डली होगी उनको हाईलाइट करेगा। एरर, जहां पे एरर हो उसको हाईलाइट करेगा। नो नो एरर, जहां एरर नहीं हो उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है जी। एरर कौन सी होती है अपने पास, जैसे अपना आप कोई फॉर्मूला पूरा नहीं डालते तो नेम की एरर, वी लुक अप में मोस्टली ये वाली एरर आती है, एस एन ए नॉट एप्लीकेटेड, किसी भी चीज जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो उसकी एरर, कोई आपका रेफरेंस गायब हो जाता है तो रेफ की एरर आती है, तो इस तरह की एरर होती है। एरर टैगिंग में बाद में भी बताऊंगा आपको। देन अपने पास है फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम रैंक्ड वैल्यूज। तो टॉप एंड बॉटम यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। टॉप 10 आइटम्स है तो डायरेक्टली 10-20 आइटम्स ले सकते हैं, टॉप या बॉटम। परसेंटेज है 10%, 20%, तो इसको चेक कर सकते हैं। फॉर्मेट इसको देंगे यहाँ हो जाए। देन अबव और बिलो एवरेज के लिए, अबव बिलो का सीधे ही ऑप्शन है, इसके साथ ही कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के भी ऑप्शन है। स्टैंडर्ड डेविएशन अबव, सब स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो, ये स्टैटिक्स के ऑप्शन। यूनिक और डुप्लीकेट के लिए, यूनिक और डुप्लीकेट आपको दिया हुआ। देन सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट। अब मान लीजिए इतना सब करने के बाद भी आपको आपके मतलब की चीज नहीं मिलती, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला दे सकते हैं। बट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला ट्रू रिटर्न करना चाहिए, ठीक है जी। अब कोई फॉर्मूला ट्रू कैसे रिटर्न करता है, देखिए इफ का फॉर्मूला अगर आपने कभी लगाया होगा तो जब हम सेल की मैचिंग करते हैं ट्रू या फॉल्स में रहता है, हाँ, क्या ये इक्वल टू, ये ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देता है, ठीक है जी जी। तो इस चीज के लिए हमें डायरेक्ट इफ के फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू लगा के क्या ये इक्वल टू इसके, ठीक है जी। तो ये ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देता है। अब इफ क्या करता है, लॉजिकल टेस्ट में इस ट्रू फॉल्स के बेस पे डिसाइड करता है कि ट्रू वाला रिजल्ट दिखाना है या फॉल्स वाला रिजल्ट दिखाना है, ठीक है जी। इसका मैं फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में एक बार आपको कराऊंगा कि ये इसको लॉजिकल में क्या होता है। लॉजिकल में अभी फिलहाल के लिए इतना जाने कि अगर उसकी कंडीशन मैच होती है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर मैच नहीं होती है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए ऐसे ही फॉर्मूले चाहिए, और जो कि ट्रू रिटर्न करने पर कलर करना है उसको, ठीक है जी।
अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे सेल्स को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं 7 दिन की सेल्स के लिए। यहां पे अपना डेटा बना देता हूं। तो ये 7 दिन की सेल। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जिसकी वैल्यू इनका टोटल जो है अगर 300 से ऊपर आए तो कलर करा दे, और कलर किसको कराए, इस पूरी रो को, ठीक है जी, एक फील्ड को नहीं। अभी क्या हो रहा था कि आप इसी में ही कंडीशन चेक कर रहे थे कि इसमें ही हो, अब मैं कह रहा हूं कि इन इस पूरे की कंडीशन चेक करें और यहां तक कितने को हाईलाइट करा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला कैसे बनेगा पहले देखते हैं। पहले तो मैंने सम कर लिया, नॉर्मली सम जो करते हैं, ठीक है, 300 को छोड़ के 400 ले लेते हैं, क्योंकि 300 मोस्टली हो सकता है ना हो, 400 का हम पैटर्न ले लेते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या बनेगी, क्या ये इक्वल टू है 400 के ग्रेटर देने ग्रेटर इक्वल टू 400। 400 को, ठीक है जी। तो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आ रहा है। हाँ जी, इसी तरह का फॉर्मूला हमें चाहिए, बट एक ही फॉर्मूला चाहिए, यहाँ दो है। तो इसको क्या करता हूँ, इस जहां मैंने K2 लिया था ना, ये सम का फॉर्मूला इक्वल टू से पहले कॉपी करके यहाँ K2 की जगह ये फॉर्मूला दे, तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया, ये ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा। अब मुझे बाकी किसी की जरूरत नहीं, एक ही सेल के लिए मैंने बनाया था और इंडिविजुअल ये फॉर्मूला मुझे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है जी। ये फॉर्मूला मुझे सही रिजल्ट दे रहा है, जहां ट्रू दे रहा है तो मतलब 400 से ऊपर है, ठीक है। थोड़ा सा लॉकिंग भी करनी पड़ेगी इसके लिए मुझे, क्योंकि जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, ठीक है जी, मैंने ड्रैग किया तो मैंने क्या सिलेक्ट की थी, सेल्स 1 से सेल्स 7 तक, पर इसकी रेंज आउट ऑफ रेंज हो रहा है। इसको लॉक इसलिए करना है क्योंकि जैसे मैंने इस पे लगाया, उसके बाद में ना मैं इसको फॉर्मेट प्रिंटर से जो अगर इसकी फॉर्मेटिंग और नीचे रख लेंगे। तो ये चेंज होगी, ठीक है जी। तो इसके लिए मुझे इसकी लॉकिंग जरूरी है। लॉकिंग का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं कि देखिए, ABCD जो ऊपर होते हैं वो कॉलम होते हैं, और ये 1 2 3 4 जो दिखा रहा है वो रो होते हैं, ठीक है जी। जो आपको बढ़ने से रोकना है उसके आगे डॉलर लगा दीजिए, ठीक है जी। अब मुझे क्या बढ़ने से रोकना है, कॉलम कहता हूँ नीचे वाले में, तो उसके रिलेटेड फॉर्मूला लगाए, तो यानी कि रो में बढ़ रहा हूं ना मैं, ये 2 3 4 इसमें रो में बढ़ रहा हूं। कॉलम बढ़ने से रोकना है कि जब मैं इधर बढ़ूं तो ये D का E नहीं होना चाहिए, तो इसके आगे मैं डॉलर लगा दूंगा। अगर दोनों को फिक्स करना होता है तो दोनों के आगे डॉलर लगा देते, ठीक है। तो अपने आप में कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है अभी, ये मैंने फॉर्मूला को क्या किया, कॉपी कर लिया इक्वल टू का, ठीक है जी। देन मैंने क्या करना है, मैं इस पे गया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब इसमें पूरा ही आपको रेंज नहीं सिलेक्ट करनी, सिर्फ एक सेल सिलेक्ट करनी, न्यू रूल पे गया, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जिस सेल के पे को रेफरेंस मार के आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मेटिंग भी रो पे ही लगा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं नीचे वाली लगाऊंगा, मैच नीचे वाला क्राइटेरिया करेगा, फॉर्मेट ऊपर वाली करेगा, ठीक है जी। तो ये जो फॉर्मूला है D2J2, ये इसी रो के लिए बना हुआ, ठीक है जी। फॉर्मेट क्या कराना है, मैंने येलो करवाना है, ओके कर दिया। अब ये मेरा अप्लाई हो चुका है, तो कौन सी सेल पे, इस सेल पे। अब मुझे क्या करना है, बाकी सारी सेल पे भी ये करना है, तो फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूंगा, ठीक है जी। इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो औरों पे भी अप्लाई करें, फॉर्मेट प्रिंटर इसी काम आता है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी एक तरह की फॉर्मेटिंग ही है, और उसको अगर मुझे सब पे अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है जी। पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा नंबर फॉर्मेट भी कॉपी हो गया उसके साथ का, तो मैं इनका नंबर फॉर्मेट उड़ा देता हूँ। आप देखेंगे जहां फॉर्मूला ट्रू रिटर्न कर रहा था वो हाईलाइट हो चुके, ठीक है जी। तो ये आपके कस्टमाइज्ड फॉर्मूला,
जो इससे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रू रिटर्न करने वाले फॉर्मूले लगाते हैं हम और ये आपका काम कर देते हैं जैसे भी। इसी तरह से और कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे हम फॉर्मूला डालेंगे सीखेंगे तो उसमें और भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक फॉर्मूला जिसमें है मेरे पास ठीक है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करा है। यहाँ से मैं मंथ सिलेक्ट करता हूँ ये सैटरडे संडे करके, जैसे अभी 11 नवंबर का टाइम आ गया तो आज की डेट तक का आपको हाईलाइट दिखा रहा है। अटेंडेंस भी हालांकि ये फॉर्मूले से ही बनी हुई है सारी, वो कैलकुलेट कर रहा है, पर यहाँ ये मैंने इसलिए दिखाया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको यूज दिखा सकते। ठीक है जी, अगर किसी की लीव होती है इसमें जुलाई में लीव लिए लोग या कब लिए देख लेता हूँ। इसमें लीव किसी ने ली नहीं 4 सितंबर 2013 में, तो अगर 2013 और सितंबर के लिए 9, तो यहाँ पे ये लीव्स भी हाईलाइटेड दिखा रहा है। ठीक है, जो सरकारी छुट्टियाँ हैं वो ऑरेंज से हाईलाइटेड दिखा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए ये सेल्स वही है। और एक और चीज देखेंगे, जैसे यहाँ 30 का महीना है, बॉर्डर यहां तक है, फरवरी चूज करता हूं तो बाकी के बॉर्डर हट जा रहे हैं। इसमें ढंग से काम नहीं कर रहा, मैं आपको दूसरी फाइल दिखाता हूं जिसमें ये अच्छी तरह से वर्किंग में है। जैसे ये है तो 31 में देख रहे हैं बॉर्डर है, फरवरी करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला वर्मूला सब लगा हुआ है, बॉर्डर तक भी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हटवा रखे हैं। ठीक है जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपको किसी आपके प्रोजेक्ट को सॉफ्टवेयर जैसी शक्ल देनी है तो आप इससे काफी चीजें कर सकते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है अपना, बाकी धीरे धीरे हम जब वो प्रोजेक्ट बनाएंगे अटेंडेंस मॉनिटरिंग वाला फॉर्मूले के बाद तो उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपने फिल्टर पे। ठीक है, चलिए यही डेटा ले लेता हूँ। फिल्टर एंड सॉर्टिंग का टॉपिक है अभी, मैं फिल्टर एंड सॉर्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो फॉर्मेटिंग आई है उसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। देखिए सबसे पहले बात आती है फिल्टर लगाने से पहले, फिल्टर या सॉर्टिंग लगाने से पहले सिलेक्शन। कई बार आपने देखा होगा कि विदाउट सिलेक्शन के हम लोग काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ फिल्टर लगाया तो सब पे लगाया, बट ऐसा तब कर पाएंगे आप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल ए क्या करता है। ठीक है, कंट्रोल ए क्या करता है, पहले इसको सिलेक्ट ऑल के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, आजकल के एक्सेल में कंट्रोल ए को सिलेक्ट ऑल के लिए यूज नहीं होता, ये आपके करंट रीजन के लिए यूज होता है। करंट रीजन मतलब डेटा रीजन। ठीक है जी, जब आप विदाउट सिलेक्शन के कोई भी अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई होती है कि जब आप डेटा पे क्लिक करके कंट्रोल ए मार के देखें तो जितना डेटा सिलेक्टेड होगा सिर्फ उस पर अप्लाई होगा, डेटा का रीजन होता है। अब रीजन मान लीजिए ये नहीं है तो अभी भी ये डेटा कनेक्टेड है एक पॉइंट से इस डेटा से, तो अगर अभी मैं कंट्रोल ए करूं तो फुल डेटा सिलेक्ट कर। मान लीजिए बीच में डेटा का ब्रेकअप हो जाता है एक लाइन का, तो अगर मैं कंट्रोल ए सिलेक्ट करूं तो इसका रीजन मुझे यही दिखा रहा है, वो इस वाले डेटा को इसका पार्ट नहीं समझता, और इसमें कंट्रोल ए करूंगा तो ये अलग से सिलेक्ट करेगा, ऊपर वाले को छोड़ देगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर ये कनेक्टेड है तो ये सारे डेटा को लेगा कंट्रोल ए।
तो यही केस हमारा फिल्टर के साथ भी आता है, अगर फिल्टर एंड सॉर्टिंग के साथ भी आता है, अगर मैं यहाँ करके कंट्रोल शिफ्ट एल करूँ या फिल्टर अप्लाई करूँ तो क्या है इसकी रेंज भी उतनी हो जाएगी। तो देखिए ये लिमिटेड वैल्यूज दिखा रहा है, लिमिटेड डेट दिखा रहा है। अगर यही कनेक्टेड है और विदाउट सिलेक्ट करे मैं करूँ तो ये आपको सारी रेंज दिखाएगा, सारी डेट। तो सबसे पहले कनेक्टेड होना जरूरी है डेटा का, ठीक है जी। मान लीजिए नहीं है, बीच में काफी सारे ब्रेक्स हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपको मैन्युअली सिलेक्ट करके बताना होगा डेटा को कि आप किस पे और क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने फुल डेटा सिलेक्ट कर लिया, अगर अब मैं फिल्टर अप्लाई करूँ तो ये सब पे होगा, इसके अंदर आपको सारी डेट दिखाएगा इंक्लूडिंग ब्लैंक वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये पता पड़ा इसमें कि आपको सिलेक्शन कब देना है और कब नहीं देना, ठीक है। डेटा बढ़िया से फॉर्मेटेड है, इस तरह से कंट्रोल ए पे सारा आ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम वैसे यूज कर सकते। अब देखते हैं सॉर्टिंग, होम के अंदर अपना सॉर्ट एंड फिल्टर का होता है, ठीक है। तो किसी जिस सेल पे क्लिक है आपने क्या करना है, सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, बस उस सेल पे क्लिक कीजिए और यहां से ऑप्शन चूज कर लीजिए। ए टू जेड में ये वाली वैल्यू हो गई, साथ में इसके साथ वाली वैल्यूज भी सॉर्ट हो गई, मतलब जो एक रिकॉर्ड था वो एक साथ सॉर्ट हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह आप नंबर का भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर में वहां ए टू जेड दिखा रहा था, यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दिखा रहा, ठीक है जी। डेट के केस में क्या होता है, ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट दिखाता है, ठीक है। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट अपने आप ये करता है सॉर्ट। देन इसके बाद ये तो नॉर्मल सॉर्टिंग हुई जिसमें आपका सारा होता है आपके पास है। अगर आपको मान लो खाली ये साथ में इसके डेटा नहीं करना है तो आपको सिलेक्ट करके करना पड़ेगा कि कितना डेटा मैंने सॉर्ट करना है, तो इसको सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें आपसे पूछेगा कि सिलेक्शन को बढ़ा के करूं कि कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, कि इसी सिलेक्शन पे ही करूं, जैसा भी आप चूज कर सकते हैं। अगर एक्सपेंड नहीं करेंगे तो सिर्फ सिलेक्टेड डेटा ही आपका सॉर्ट होगा। देन उसके बाद आता है आपका कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में क्या होता है, जैसे यहां पे देख रहे हैं इस तरह की आपकी फील्ड आ जाती है सॉर्ट बाय, इससे सॉर्ट कर। तो मान लीजिए मैंने क्या करना है, मैंने करना है कि पहले नेम वाइज सॉर्ट करना है ए टू जेड, ठीक है जी। जेड जेड टू ए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ए टू जेड करना है, जैसे ही ओके करेंगे सॉर्ट हो जाए, ए टू जेड नेम हो गया। इसमें हम लेवल वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं, पहले जो करे वो करे नेम से, फिर यहां से एड लेवल करेंगे तो आपकी आ जाएगी। उसके बाद मैंने कह दिया करे सिटी से, ठीक है जी। देन उसके बाद मैंने कह दिया कि सेल्स जो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिखा दे, तीन लेवल में बांट दिया मैंने। तो अब ये कैसे करेगा, जैसे पहले हरीश का डेटा लिया, हरीश का हर सिटी का डेटा लिया, दिल्ली फरीदाबाद ऐसे एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर हर एक सिटी के डेटा को इसने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में डिवाइड कर दिया अलग अलग, ठीक है जी, अलग अलग। तो सॉर्टिंग में लेवल वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको तीन लेवल में करके दिखाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कितने भी लेवल डाल के कर सकते हैं। जो एक्सेल सपोर्ट करता है 64 लेवल्स ऑफ सॉर्टिंग सपोर्ट करता है, 64 से ज्यादा कॉलम को आप लेवल वाइज सॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। देन आगे देखते हैं इसमें और भी क्या क्या ऑप्शन होते हैं हमारे पास। मान लीजिए आपने क्या किया, कुछ लिस्ट बनाई थी मैनुअली बनी है, फिर उसके बाद ऑडिट किया कि नहीं इस वैल्यू में दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है, तो आप चाहते हैं कि ये सबसे ऊपर आ जाए, ठीक है जी, बाकी इसके नीचे चली जाए। तो इसमें जैसे सेल्स मैंने सिलेक्ट किया, तो आप एक तो वैल्यूज के बेस पे कर सकते हैं, दूसरा कलर के बेस पे भी कर सकते हैं, सेल कलर, ठीक है जी। सेल कलर जब चूज करेंगे तो अवेलेबल कलर्स आपको यहां पे दिखा देगा,
जितने भी होंगे उस सेल में, मैं चूज कर दिया राइट। कहाँ रखना है मुझे, टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, तो मैंने टॉप पे रखना, ठीक है जी। देन मैं क्या करूंगा, मैंने दो तरह की करी, मैंने कहा एक तो इनमें गड़बड़ है और एक में मुझे डाउट है खाली, तो डाउट के लिए मैंने अलग अलग कर दिया, इनकी प्रोसेसिंग कुछ अलग होगी, ठीक है जी। मैंने कहा कि इसमें इनकी प्रोसेसिंग अलग होगी, दो टाइप के सॉर्ट करने, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सेल कलर पे जाऊंगा, सबसे पहले मैंने क्या देना है, रेड देना है। अच्छा अब यहां सिटी सिलेक्टेड है तो नहीं दिखा रहा, सेल्स सिलेक्ट करेंगे कलर, सबसे पहले मैंने रेड देना है टॉप पे, देन उसके नीचे मैंने ये ऑरेंज देना है, एड लेबल करूंगा, अगेन यहां से सेल्स सिलेक्ट करूंगा, अगेन यहां से सेल कलर सिलेक्ट करूंगा, और अगला वाला जो है ऑरेंज सिलेक्ट कर लिया ऑन टॉप ये, बट प्रायोरिटी जो बनेगी वो पहले वाले की बनेगी, तो सबसे पहले वाला टॉप में रखेगा, उसके बाद ये दूसरे वाले को रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी सॉर्टिंग कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए आप सॉर्टिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग इसी तरह से जैसे हमने सेल कलर किया उसी तरह से फॉन्ट कलर की भी कर सकते हैं, ठीक है। सेल कलर ना करके मैं फॉन्ट कलर कर दूं तो उसके बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं। देन एक और सॉर्टिंग ऑप्शन है हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिखाया था कि हम यहाँ पे सेल आइकॉन्स लगा सकते हैं, तो आप आइकॉन्स के बेस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो आइकॉन्स के बेस पे कैसे सॉर्ट करेंगे, डिलीट लेवल कर देता हूँ, यहाँ से सेल आइकॉन है, आइकॉन आपको दिखा देगा जितने अवेलेबल होंगे, मैंने कहा मैंने इसको टॉप पे रखना है, एड लेवल करके फिर मैंने क्या किया, सेल आइकॉन का फिर ले लिया, मैंने कहा ये एक्सक्लामेशन वाले को इसके बाद रखना है और बाकी को अपने आप नेक्स्ट वाला अपने आप सेट ही हो जाएगा। तो सबसे पहले ये राइट वाला आ रहा है, फिर उसके बाद आपका जो है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन वाला आ जाएगा, देन उसके बाद आपका क्रॉस वाला आ जाएगा, उस हिसाब से शॉर्ट हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि मैंने क्या किया, मंथ निकाल, तो जैसे मैंने आपको कस्टम फॉर्मेट बताए थे ना, वो कस्टम फॉर्मेट आप टेक्स्ट के फॉर्मूले में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, मंथ चाहिए, वैल्यू सिलेक्ट करी और फॉर्मेट टेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है। में क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में जो फॉर्मेट आप चाहते हैं, कस्टम नंबर फॉर्मेट, वो आप टाइप कर लें, उसके हिसाब से वो टेक्स्ट में एक्चुअल वैल्यू बना दे। एमएमएम का मतलब है एब्रिविएटेड मंथली, ये आ गया मेरे सामने, जनवरी आ गया, जो भी मंथली का। अब इस तरह से डेटा मेरे पास किसी ने, अब मान लीजिए अगर मैं इस मंथ के बेस पे सॉर्ट करूं तो कैसे सॉर्ट होगा बताइए, अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं तो कैसे होगा, जैसे मैंने मंथ चूज कर, अगर मैं इसको ओके कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, यहां पे क्या आना चाहिए, जी सर बताइए। ईयर वाइज मंथ उठाएगा, हाँ देखिए अगर मैं मंथ सॉर्ट करता हूँ ना तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, ए टू जेड है, क्योंकि उसके लिए तो नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है जी, तो ये ए टू जेड ही सॉर्ट करेगा, अप्रैल अगस्त, और जबकि चाहिए मुझे क्या, मुझे चाहिए जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह से सॉर्ट हो गया, तो इसके लिए कोई तरीका, इसके लिए एक तरीका है, ठीक है, क्योंकि वो तो अपना उस पर चल रहा है ना, जो रूल दिए हुए उन्हीं पे ही चलेगा भाई साहब, ए टू जेड है, जेड टू ए, इससे अगला ऑप्शन ही नहीं है,
कहाँ सॉर्ट कर देगा, मुझे चाहिए जनवरी फरवरी, तो कैसे करेंगे, कस्टम लिस्ट में जाएंगे। कस्टम लिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। अब कस्टम लिस्ट क्या है, मैंने आपको बताया था हमारे पास पहले से ही कुछ लिस्ट पड़ी हुई है, क्या आपने खुद बना ली है लिस्ट, ठीक है जी, कस्टम लिस्ट बताई थी, उसमें मैं ये चूज कर दूंगा जैन पैप वाला, ठीक है जी। तो इस लिस्ट में जैसे आइटम पड़े होंगे वैसे क्या कर देगा, ये सॉर्ट कर देगा। अब देखिए जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, ठीक है जी। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इनके डेजिग्नेशन और डाल दूं साथ में, इसको कर दूं बीपी, तो डेजिग्नेशन भी मुझे रैंक वाइज सॉर्ट करनी है, ठीक है जी, सबसे बड़ा सबसे ऊपर आए, ठीक है जी। तो ऐसी लिस्ट रैंक वाइज इसमें बना देंगे कस्टम लिस्ट में, और इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं कस्टम लिस्ट से, जो मैनुअल मैंने बनाई है, कहाँ बनाई है, ये बीपी डीजीएम, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हो जाएगा। बीपी ऊपर आ गए, फिर उससे नीचे जीएम, फिर डीजीएम, देन एजीएम, फिर चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, लास्ट में जाके एक्सपी, ठीक है जी। तो कस्टम सॉर्ट आप इस लेवल तक कर सकते, ठीक है जी, सॉर्टिंग में इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं फिल्टर में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो जिस तरह से फिल्टर लगाने का सबसे पहले तरीका, यहाँ पे सॉर्टेड फिल्टर में जाके फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। देन आपका दूसरा तरीका है डेटा में जाके आप फिल्टर को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देन तीसरा तरीका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एल है, कंट्रोल शिफ्ट एल, ऑल्ट डी एफ एफ, ऑल्ट डी एफ एफ, ये पुराना वाला शॉर्टकट है जो चलता था, नए वाले शॉर्टकट ऑल्ट वाले भी यूज कर सकते हैं, ऑल्ट ए टी, ऑल्ट ए टी, बहुत सारे तरीके हैं शॉर्टकट से फिल्टर लगाने के, ठीक है। मोस्टली मैं यूज करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा है, टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, डेट भी है, ठीक है। हर एक के लिए फिल्टर अलग तरह से बिहेव करता है, टेक्स्ट, नंबर और डेट के। जैसे आप डेट में देखेंगे तो यहाँ पे डेट फिल्टर आ जाता है लिखा हुआ, टेक्स्ट में जाएंगे तो आपको टेक्स्ट फिल्टर मिलेगा, नंबर में जाएंगे तो नंबर फिल्टर मिलेगा, उसी के साथ ही इनके ऑप्शन भी अलग अलग हो जाते हैं सारे। तो शुरुआत करते हैं डेट फिल्टर से, डेट फिल्टर हमको डेटा इस तरह से दिखाता है जिसमें हमारे पास ईयर को सबसे पहले प्लस माइनस के बटन बना दिए, उस ईयर में कितने मंथ है उसको प्लस माइनस में बना दिया, फिर उसको प्लस करेंगे तो जितने डेट अवेलेबल होगी वो। तो मान लीजिए आपको फाइनेंस में है आप, और पूरे साल का डेटा चूज करना है एक फाइनेंशियल ईयर का, जैसे अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक, हाँ, इसमें क्या करेंगे, इस पे अगर मैंने क्लिक किया तो अंदर वाली सारी वैल्यूज लिखो मैं, तो अप्रैल से ऊपर से जनवरी फरवरी मार्च ऑफ कर दिया मैंने, देन 2014 में जाऊंगा इसको ओपन करूंगा। अब यहाँ पे कम करनी है, मैंने यहाँ से अलग डॉटेड साइड ओके करूंगा, तो ईयरली एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह से इसमें डेट सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसमें अगर आपकी डेट गलत डेट गलत लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, तो जो डेट अपनी डेट फॉर्मेट में नहीं है उनको यह सबसे अलग दिखाएगा, ठीक है जी। अब मैंने क्या लिखने की कोशिश की है, 20 मार्च 14, स्लैश के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, किसी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो इसको सही करने का तरीका क्या है, ये डेट फॉर्मेट में हो जाए। अब डेटा में जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम होता है हमारे पास टूल, जिसको ईआरपी के लिए मोस्टली यूज किया जाता है कि टेक्स्ट में से अलग से चार्ट के कॉलम,
तो इसमें जाएंगे, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे आ जाइए सीधा, और यहाँ डेटा फॉर्मेट जो है इसमें से डेट चूज कर लीजिए और करंट फॉर्मेट दे दीजिए कि ये डेटा जो है DMY में है, मतलब डेट मंथ और ईयर में है, बस इसको फिनिश कर देना है आपने, ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगा आपके। इस तरह से आप खराब डेटा को सही कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा वो नहीं दिखा रहा है। देन डेट फिल्टर्स देखते हैं, डेट फिल्टर्स में यहाँ पे जाएंगे इधर इक्वल्स, कोई भी डेट देते हैं, यहाँ पे दो कैलेंडर दिखा रहा है, यहाँ से चूज कर सकते हैं इक्वल्स, किसी भी डेट के बराबर मैंने कहा कि डेट के बराबर कोई डेट हो तो उसको फिल्टर कर दे, ओके किया तो वो डेटा फिल्टर हो जाएगा, अगर डेट होगी, नहीं है तो नहीं होगा। देन बिफोर, बिफोर में क्या करेंगे, कोई भी डेट दे सकते हैं कि उससे पहले की डेट, तो मैंने कहा कि आज से पहले वाली डेट दिखाए तो आज से पहले वाली सारी डेट दिखाए। आफ्टर आज के बाद वाली सारी डेट दिखाए, वही लिस्ट आपको डेट की यूनिक लिस्ट की यहाँ पे भी दिखेगी, मैंने कहा जनवरी 22 के बाद की डेट दिखाए तो इतनी डेट फिल्टर हो जाएगा। देन बिटवीन, किसी दो डेट के बीच की एक डेट यहां से चूज कर लीजिए और इनके बीच की डेट दिखाए, तो वो डेट दिखा रहा है मुझे उनके बीच वाली। देन टुमारो, ये आपका उसी की तरह है जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में था, कल आने वाली, टुडे आज की, यस्टरडे द वीक। बट इसमें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक फर्क है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, रिफ्रेश कर लेता है अपने आप को, फिल्टर रिफ्रेश नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि आपने किसी चीज पे फिल्टर किया है और जब आप उसको चेंज कर देते हैं तब भी वो रहता है, तो एक बार हटा के दोबारा लगाएंगे तब ये असर करेगा। तो फिल्टर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है। नेक्स्ट वीक, अगले आने वाले हफ्ते में, इस वीक, इस हफ्ते की, लास्ट वीक बीते हुए की, कोई नहीं है, नेक्स्ट मंथ आने वाले महीने की, जैसे नवंबर है तो दिसंबर की डेट्स दिखा रहे हैं मेरे को, इसी तरह दिस मंथ और लास्ट मंथ है, नेक्स्ट क्वार्टर जो अगला क्वार्टर आएगा, तो अभी ये नवंबर चल रहा है तो ये क्वार्टर का पार्ट है पूरा, नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर जनवरी, क्वार्टर का पहला जनवरी फरवरी मार्च 15 का, दिस क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर है, नेक्स्ट ईयर अगले साल का, दिस ईयर इस साल का, और लास्ट ईयर बीते हुए साल का। ईयर टू डेट का फंक्शन है, ये क्या है, जैसे 2014 ईयर चल रहा है, 1 जनवरी 2014 से लेकर आज तक 15 नवंबर 2014 तक का डेटा फिल्टर करके ईयर से लेकर आज की डेट तक। देन ऑल डेट्स इन पीरियड, अब ऑल डेट्स इन पीरियड क्वार्टर वन, क्वार्टर वन का मतलब ये नहीं है कि खाली इसी ईयर का क्वार्टर वन, हर ईयर का क्वार्टर वन, जनवरी फरवरी मार्च का डेटा हर ईयर का, ठीक है। Then, इसी तरह क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर है, जनवरी चूज करेंगे तो हर डेट की जरूरत, हर ईयर की जरूरत, तो डेट के अंदर यही सब कुछ है आपका। अब देखते हैं टेक्स्ट के अंदर क्या है, टेक्स्ट फिल्टर इक्वल्स सेम है, इक्वल्स मतलब कोई किसी के बराबर हो कर सकते, नॉट इक्वल्स जो है जो उसके बराबर ना हो, बिगिंस विद वाला, बिगिंस विद एस, ठीक है, एस से शुरू होने वाले इसने फिल्टर कर दिए, एंड्स विद, एंड्स विद एच, एच से खत्म होने वाले फिल्टर कर दिए, देन कंटेंट्स बीच में कुछ भी हो, डबल ई मैंने कर दिया बीच में हो, नहीं हो सकता ऐसा नहीं, बीच में ही होगा, आधे भी होगा, पीछे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कंटेन का मतलब है कंटेन, डज नॉट कंटेन मोर डेटा, जो ये कंटेन नहीं करता है, ठीक है।
तो ये अपना टेक्स्ट फिल्टर में है। देन आपका नंबर फिल्टर, नंबर फिल्टर इतना खास नहीं है, इक्वल टू नॉर्मली है कि किसी पे डज नॉट इक्वल टू कि वो ना हो, ग्रेटर देन जैसे 50 से बड़े वाले, 50 से बड़े वाले फिल्टर कर दिए, ठीक है जी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 या उससे बड़े वाले, या तो 50 हो या उससे बड़ा हो, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, देन लेस देन भी इसी तरह ही कि लेस देन इससे छोटे होने चाहिए 50 से छोटे, बट 50 नहीं होगा इसमें, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 50 और उससे छोटे वाले, देन बिटवीन मैंने कहा 10 से 20 का बीच का डेटा, ये तो 10 से 20 का बीच का डेटा दे दिया। टॉप 10 आइटम्स और परसेंटेज वाला सेम वही रूल है आपका, ठीक है जी। आइटम्स के लिए और बॉटम 10 भी परसेंटेज वैसे ही चूज कर सकते हैं। टॉप 10 अबव एवरेज, एवरेज वाला, एवरेज से बड़े वाले, बिलो एवरेज, एवरेज से छोटे वाले, ठीक है जी। इनके अलावा, ये सब के अलावा मान लीजिए, ये तो इन सब में भी आपका काम नहीं होता, तो एक चीज है कि इन सब फंक्शंस में एक होता है आपका लास्ट में कस्टम फिल्टर। इसके अंदर देखेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन मिलेंगे, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, बिगिंस विद, एंड विद, डज नॉट कंटेन, कंटेन, सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो फील्ड है और एंड और दो आपके पास रेडियो बटन है, ठीक है जी। अब रेडियो बटन में ये माजरा क्या है, मैं आता हूं। जैसे मैंने एंड कंडीशन लगेगा, हाँ, जैसे मैंने इसमें सिलेक्ट किया इक्वल टू, मैंने क्या करना है, हरीश और महेश दो लोगों का डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। इक्वल टू हरीश, या तो हरीश हो या इक्वल टू हो महेश, ठीक है जी। बताइए चलेगा नहीं चलेगा, अभी ठीक है जी दोनों, तो अगर मैं इसको करता हूं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रीजन बताइए क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एक रो में दोनों नाम नहीं है, एक रो में सिर्फ एक ही नाम है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैंने यहाँ पे एंड सिलेक्टेड है तो रूल क्या बोल रहा है कि इक्वल टू हरीश और इक्वल टू महेश, बट कोई एक सेल या तो हरीश कंटेन कर सकती है या महेश कंटेन कर सकती है, ठीक है जी। तो मतलब हमें इसको भी वैसे ही देना होगा, दोनों कंडीशन किसी हाल में ट्रू नहीं हो सकती, तो और देना होगा, यानी कि छूट देनी होगी, या तो ये ट्रू करे या तो ये ट्रू करे, ठीक है जी। बिल्कुल, हाँ। तो इसमें, इस केस में हरीश और महेश का डेटा, हालांकि जो मैं लॉजिकल समझाऊंगा तो उसके अंदर इसका एंड और का और भी आपको यूसेज बताऊंगा। तो ये था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सॉर्ट एंड फिल्टर का सेशन, ठीक है जी। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अपना फॉर्मूले के ऊपर कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे, ठीक है सर। तो जी इसका लिंक भेज देंगे, हाँ बिल्कुल, इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा, आज हो गया अपलोड तो आज भेज दूंगा, नहीं तो कल सुबह मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, ओके ओके।